तो चलिए शुरू करते हैं। तापसी के हाथ समय ने उसके सिर के ऊपर कर दिए जिसे उसे दर्द ना हो। समय दूसरे हाथ से तापसी की कमर सहलाने लगा। समय बिना आंखें बंद किए तापसी के नर्म होठों को पागलों की तरह किसक बाइट करने लगा। जिसे तापसी की आह है उसके मुंह में ही रह गई। तापसी आंखें बंद कर समय की वाइल्ड किस को महसूस करने लगी। समय पूरे पेशन के साथ उसके होठों को चूमने लगा, साथ साथ उसकी कमर सहलाने लगा। तापसी किस करते हुए गहरी गहरी सांसें लेने। समय को जब तापसी की सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई तब जाके उसके हाथों को छोरा। तापसी समय के वाइल्ड किस करने से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जिसे समय के हाथ उसकी कमर को टच हो रहा था समय उसके मुलायम होठों को अपने शक होठों रख रब करने लगा। समय के अंदर गमिया बधने लगी। समय उसके गले में होठ रख के सक करने लगा। तापसी उसके होठों को अपनी गर्दन चलते देख मौन करने लगी। समय का हाथ उसके कमर को रब कर रहा था जिसे बीच बीच में उसकी चिख निकल जाती। तापसी और तेज मौन करने लगी। समय उसके हाथों को छोर उसके कान में मदहोसी भरी आवाज में बोला, स्वीटहार्ट अपने हाथों को जरा सा भी मत हिलाना, एक अच्छी बच्ची की तरह मुझे प्यार करने दो। इतना बोल समय ने तापसी के कान पर किस बाइट की। तापसी मौन करते हुए बोली, आह प्लीज धीरे दबाए, दर्द हो रहा है। समय जहां किस करता वहीं सक बाइट करके बोला, मेरे बच्चे को ये दर्द अब पूरी लाइफ सहना होगा, इसलिए इसे सहने की आदत डाल दो। बेबी को प्यास लगी है इसलिए अच्छी बच्ची की तरह बेबी की प्यास बुझा। तापसी उसकी बातें सुन लाल हो गई। उसने कसके बेडशीट पकड़ तेज तेज मौन करने लगी। समय उसके मौन को सुन सुकून से उसे किस करने लगा। उसका एक तापसी की कमर पर था तो दूसरा उसके बालों में चल रहा था। तापसी आंखें बंद कर अपनी पीठ ऊपर की ओर कली। कुछ इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है जिसे हम चाह के भी नहीं रोक सकते। समय के होठों को अपने सीने पर महसूस कर वो आहें भरने लगी। समय एक घंटे तक उसके के साथ प्यार करता रहा। पूरे कमरे में तापसी की आहें सुना दे रही थी। उसकी पूरी गले में कोलबोन पर लव बाइट के निशान लाल हो चुके थे। समय अपना हाथ धीरे से उसके पेट पर रख उसे ऊपर से सहलाने लगा। ऐसा करते ही तापसी के हाथ अपने आप समय के कंधे पर कस गए। समय अपनी स्पीड नीचे बढ़ाने लगा। तापसी भी उतनी तेज तेज मौन करने लगी। समय तापसी के कोलबोन से उसके पेट पर आ गया। समय उसके पेट पर किसक करने लगा। समय धीरे वाइल्ड होने लगा। समय तापसी के पैरों को सेपरेट कर उसकी गोरी मुलायम टांगों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। तापसी की आहें वक्त के साथ साथ और तेज होने लगी। थोड़ी देर बाद समय तापसी के होठों को एक और बार किस करने लगा। तापसी समय के होठों को अपने होठों के बीच महसूस कर तेज तेज आहें भर रही थी। तापसी इस वक्त पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। समय वक्त के साथ बाइट भी कर रहा था जिसे तापसी की चिख निकल जाती। एक घंटे वाइल्डली प्यार करने के बाद समय तापसी के साइड में लेट गया। उसके चेहरे पर एक अलग सेटिस्फेक्शन था। वही तापसी अब तक थक के सो चुकी थी। उसके शरीर में समय के दिए हुए लव बाइट के निशान थे। समय तापसी को बाहों में भर उसके माथे को चूम लिया। दूसरी ओर राहुल अपने घर से निकल सीधा मल्होत्रा मेंसन आया। सिद्धार्थ इस वक्त राजवीर वरुण के साथ बैठ के बात कर रहा था। वरुण थोड़ा परेशान था। उसने समय की तापसी को मारने वाली बात नहीं बताई थी। वो अपने दोस्त से सबसे ज्यादा प्यार करता था। समय चाहे सही करे या गलत वरुण हमेशा उसका साथ देता। राजवीर गुस्से में बोले, वरुण से समझाओ हमारे घर की इज्जत हमें वापिस लौटा दे। सिद्धार्थ भाई एक आप ही हो जो उनको समझा सकते हो, मुझे मेरी तापसी चाहिए। वरुण के साथ उसका असिस्टेंट जय भी आया था। जय वरुण और समय दोनों के लिए काम करता है। समय जितना ट्रस्ट वरुण पर करता है उतना ही ट्रस्ट जय भी करता है। जय मन ही मन स्माइल कर वरुण से धीरे से बोला, सर आप सच में बोस को समझाओगे ये जानने के बाद भी कि उन्होंने मैडम के लिए जानू को अकेला छोड़ के आए। वरुण जय को खा जाने वाली नजरों से देख के बोला, मुझे सब याद है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। वरुण राजनीति को देख, अंकल आप जानते हो समय को समझाना कितना मुश्किल है, वो इतनी जल्दी मेरी भी नहीं
सुनता आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं समय से बात करूँगा। और सिद्धा तुम समय को जानते हो, वो जितनी नफरत अंकल से करता है उसे थोड़ी भी तुमसे नहीं करता, तुम खुद उसके दिल में अपने लिए नफरत भर रहे हो। अगर तुम्हें तापसी चाहिए तो अपने भाई के साथ दो, उसकी हर बात मानो देसे पहले मानते थे तब जाके कही तुम उसे मिल पाओगे। वरुण ने ये बात इसलिए कही कि उसे तापसी की फिक्र हो रही थी, जिसे तरह समय ने उसके सामने तापसी पर हाथ उठाया उसे भी यही लगता है कि उसे समय को तापसी से बचाना होगा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, ये समय कौन है? सिद्धार्थ, राजवीर, वरुण आवाज सुन पीछे मुड़े, सामने एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था, उसकी आंखें लाल थी, उसके एक हाथ में गन थी। राजवीर, पुलिस को घर में देख यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है बाहर बोर्ड पर नाम नहीं पढ़ा, राजवीर मल्होत्रा नाम है मेरा, यहाँ पुलिस तो क्या नेता भी सिर झुका के आते हैं और तुम हाथों में गन लेके सर उठा के चले आए। सिद्धार्थ अपने डेट को इतना गुस्से में बोलता देख आगे आके बोला, राहुल भाई आप सामने और कोई नहीं, राहुल था। राहुल तापसी का पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ आया। राजवीर सिद्धार्थ के मुंह से राहुल का नाम सुन अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, सॉरी मिस्टर राहुल, मुझे पता नहीं था आप कौन हो। राहुल उसके सामने खड़े होके गुस्से में बोला, आप चाहे राजवीर मल्होत्रा हो या किसी देश के प्रधानमंत्री, राहुल वमो किसी से नहीं डरता, मेरे बारे में शायद आपके बेटे अभी तक नहीं बताया, इसलिए आप मेरे आगे आवाज उठाने की हिम्मत कर दी। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ, आपके इस बेटे से उसकी सगाई होने वाली थी, तब से वो गायब है, मुझे मेरी बहन चाहिए, कहा है मेरी बच्ची, और ये समय तो आपका बड़ा बेटा है ना, उसका मेरी बहन से क्या ताल्लुक है, और तुम सब उसकी क्या बात कर रहे थे, और प्लीज मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, मैं लोगों की आंखों से उसके होठों से निकली बात सच है या झूठ पहचान जाता हूँ, इसलिए जो भी बोलोगे सच बोलोगे, मुझे मेरी बहन चाहिए। वरुण राहुल को ऊपर से नीचे देख बोला, राहुल तुम्हारा गुस्सा होना, अपनी बहन की फिक्र करना जायज है, तुम है जो सच जानना है, मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा, पहले आके बैठ जाओ। राहुल वरुण की बात सुन जाके उसके सामने बैठ गया, उसने अभी भी अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। वरुण गहरी सांस लेके बोलना शुरू किया, समय मल्होत्रा इनका बड़ा बेटा और सिद्धा का भाई तापसी इस वक्त समय के पास है। राहुल उसकी बात सुन गुस्से में, वो उसके पास क्यों है? अगर तुम सबको ये बात पहले से पता थी तो तुम सबने ये बात मेरी फैमिली को क्यों नहीं बताई, और बताना छोड़ो तुम सबने उसे वापिस क्यों नहीं लाया, मेरी बहन तो तुमसे शादी करने वाली थी, तो तुम्हारा भाई उसे कैसे लेके जा सकता है, उसने ये बात सिद्धा को देख के बोली। वरुण उसके सवाल सुन, तुम्हें क्या लगता है समय कोई आम आदमी है जिसके पास तुम जाओगे और बोलोगे तो वो तुम्हारी बहन को दे देगा? वो इनकी तरह कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है जिसे तुमसे डर लगता होगा। समय मल्होत्रा की एक नहीं कहीं पहचान है जो तुम क्या उसके बाप तक को नहीं पता, उसका हर रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह तुम्हारी अपनी पहचान है उसी तरह समय की अपनी खुद की एक पहचान है जिसे तुम सब व्हाइट ईगल के नाम से जानते हो। व्हाइट ईगल नाम सुनते ही राजवीर सिद्धार्थ मयन के साथ राहुल भी शोकत हो गया। वरुण उनके शोकत एक्सप्रेशन देख बोला, समय हर तरह के बिजनेस पर अपना हुक्म चलाना जानता है, आपको लगता होगा अंकल अगर आप उसे बिजनेस से बेदखल कर दोगे तो वो आपकी बात मान जाएगा, लेकिन आप गलत हो, आप बिजनेस में मंथ का जितना कमाते हो उतना तो वो एक दिन में कमा लेता है, उसके एक होटल का टर्नओवर आपके बिजनेस से ज्यादा है, आप बिजनेस टाइकून हो सिर्फ समय की वजह से, वरना ये अवार्ड 8 साल तक आपको नहीं मिलता। राहुल तुम्हारी बहन उसके पास है और सेफ है, उसकी गारंटी में लेता हूँ, समय दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ हालातों ने उसे बुरा बना दिया। राहुल वरुण की बातें सुन पूरी तरह शोकत था, उसने हैरानी से कहा, मुझे मेरी बहन से मिलना है, उसे वापिस अपने पास लाना है। वरुण, मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ लेकिन वापिस आना ना आना समय के हाथ में है, खुद तापसी भी उसका फैसला नहीं ले सकती। राहुल मुझे मिलना है समय मल्होत्रा से।
वरुण तुम इस कपड़ों में उसे नहीं मिल सकते, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए अपनी गन अपना गुस्सा कंट्रोल रखना होगा। राहुल गन पीछे रख में तैयार हूँ। वरुण ने फोन निकाल समय को कॉल मिलाया। डार्क हेल। समय तापसी को बाहों में भर सो रहा था। तापसी उसके ऊपर थी, किसी छोटे बच्चे की तरह समय के सीने में मुंह छुपा के सो रही थी। समय का फोन रिंग हुआ। रिंग सुन समय की आंखें खुली। समय ने साइड टेबल से फोन उठाया। फोन पर सो हो रहे नाम को देख उसने फोन उठाया। समय कोल्ड वॉइस में बोल। वरुण उसकी आवाज में कोल्डनेस महसूस कर पहले ही माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, काम जरूरी था इसलिए कॉल किया। समय आंखें बंद कर तापसी के बालों में हाथ फिरा के बोला, बोल। वरुण एक नजर राहुल सिद्धार्थ को देख, तापसी का भाई यहाँ है, वो तापसी से मिलना चाहता है और तुझसे भी। समय तापसी के गाल को सहला के एक घंटे में दाखिल। वरुण ओके बोलता उसे पहले समय ने फोन रख दिया। वरुण फोन जेब में रख एक घंटे में दाखिल पहुंचना होगा वरना वो नहीं मिलेगा। यहाँ से वहां पहुंचने में ढाई घंटे लगेंगे और उसने एक घंटा दिया है। कैसे पहुंचेंगे वो टाइम का पक्का है, हम एक मिनट भी लेट हुए तो वो नहीं मिलेगा। राहुल खड़ा होके 45 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। चलो सिद्धार्थ, मैं अभी साथ चलूंगा। वरुण ने उसे देख कुछ नहीं कहा, तीनों बाहर की ओर भागे। डार्क हेल। समय तापसी के गालों पर किस कर स्वीटहार्ट उठ जाओ। तापसी अपना छोटा सा चेहरा समय के सीने में रबकर छुपा के बोली, थोड़ी देर सोने दो ना, मुझे सोना है और आप भी सो जाओ। समय उसकी हरकत देख स्माइल कर स्वीटहार्ट को, सोना है लेकिन बेबी थोड़ी देर में तुम्हारे भाई आ रहा है। तापसी ने जैसे ही समय की बात सुनी वो जट से खड़ी हो गई। वो दोनों अभी भी बिना कपड़ों के थे, दोनों के शरीर एक रजाई में थे। तापसी समय की कमर पर बेदी हुई थी। तापसी के इस तरह खड़े होने से उसका शरीर समय के सामने था। उसकी आंखों में फिर से लस्ट दिखने लगी, जिसका पता तापसी को दूर दूर तक नहीं था। उसे जरा सा अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त राक्षस के सामने है। वो तो अपने दादा का नाम सुन खुश हो गई। तापसी समय की आंखों में देख, क्या सच्ची में दादा आ रहे हैं? समय उसकी कमर सहलाते हुए हाँ मैं पलके झपकाए। तापसी अपनी छोटी आंखें टिमटिमा के बोली, क्या मैं दादा से मिल सकती हूँ? समय उसकी मासूम सी आंखों में देख एक शर्त पर। तापसी खुशी से हाँ मैं सिर हिला के बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। समय उसके कमर पर जोर से दबा के, बेबी गल पहले शर्त तो सुन लो, उसके बाद हाँ बोलना। समय की कमर दबाने से तापसी की आह निकल गई। तब जाके उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ बेदी है। उसने खुद को देखा, जो समय के पेट पर बेदी हुए थी। उसने खुद को पूरी तरह नेक्त देख तुरंत रजाय खींच के अपने सिर तक ओढ़ ली। समय उसके हाथ से रजाय को एक झटके में खींच के बेड से नीचे गिरा के बोला, जो चीज मेरी है उसे छुपाने का किसी को हक नहीं है। वैसे भी बेबीगर्ल, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है, इसलिए मुझसे शमोने की कोई जरूरत नहीं। तापसी समय के सिने में फिर से मुंह छुपा के बोली, आप बहुत बड़े वाले बेशर्म हो, मुझे जैसी मासूम बच्ची से गंदी बातें करते हो। समय उसके सिर को चुमके, तुम मेरी हो जान, में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तापसी उसके सिने पर उगली फिरा के मासूमियत से बोली, आपने कहा था आपकी शत है, वो क्या है? मुझे दादा से मिलना है। समय तापसी को ऐसे ही उठा के बिस्तर से खड़ा होके बाथरूम की ओर ले जाके कहा, तुम अपने दादा के साथ जाने की जिद नहीं करोगी, उनके सामने तुम्हें मुझ अपना ना होगा। अपने दादा को बताना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तापसी अपने हाथ उसके गले में गाल के बोली, लेकिन मैं तो दादा के साथ जाना चाहती हूँ। समय उसकी बात सुन हल्के से गुस्से में उसके पीछे जोर से मार के कहा, तुमने एक और बार यहाँ से जाने की बात की तो बच्चा तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। तापसी, ना मैं सिर हिला के क्या करोगे? समय उसे वोसबेजिन के पास बिठा के उसके दोनों पैरों को सेपरेट कर बीच में खड़े होके बोला, देखना चाहोगे जान मैं उसकी क्या सजा दूंगा। तापसी सजा सुन घबरा गई, वो ना में सिर हिलाने लगी। समय तापसी की गर्दन पीछे से पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और रिफली किस करने लगा।
समय तापसी के हाथों को किस कम बाइट ज्यादा रहा था वो उसके होठों को चबाने लगा जिसे तापसी को काफी दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में वरुण की कार हेल के बाहर आके रुकी। राहुल हेल को देख तेरी स्माइल कर दी जिसे बहुत जल्द छुपा भी लिया। राहुल सिद्धार्थ वरुण कार से बाहर निकले। सिद्धार्थ के साथ मयंक भी था। राघव वरुण को देख उसके पास आके स्माइल कर बोला वरुण भाई 15 मिनट नोट बेद। वरुण राघव की देख वो कहा है। राघव अंदर की ओर इशारा कर बोस तो अंदर है लेकिन आप इतनी जल्दी वो आगे लगा नहीं था वेरी फास्ट ड्राइविंग। वरुण राघव की बात को इग्नोर कर अंदर चला गया। उसके पीछे राहुल सिद्धार्थ भी चले गए। राहुल हेल को बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी नजरें हेल को एक्सप्लोर कर रही थी। वरुण राहुल की नजरों को देख तुम चाहे इसे जीतना एक्सप्लोर कर लो इस हेल में बिना समय की मर्जी से घुस नहीं पाओगे। ये समय का हेल है यहाँ पंछी भी उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता तो तुम देसे कानूनी के वफादार नौकर कहा से आओगे। राहुल को वरुण की बातें सुन काफी गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो यहाँ जींस जरूरी काम से आया था उसे उस पर फोकस करना था। समय को उनके आने की न्यूज पहले ही मिल चुकी है। वरुण राहुल सिद्धार्थ मयंक को राघव ने सोफे पर बैठने को कहा। सर्वेंट से कह के उनके लिए ब्रैंडी वाइन की बोतल मंगवाई साथ में नॉनवेज। राहुल ड्रिंक नॉनवेज देख तुम्हारा बोस के यहाँ मेहमानों को चाय कॉफी की जगह ड्रिंक सर्व करते हैं। वरुण को यह जवाब देता उसे पहले किसी की कोल्ड आवाज आई ये मेरा हेल है यहाँ वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ। अभी मेरा ड्रिंक करने का मूड है सो मेरे न्यू गेस्ट आपको भी मेरे साथ ड्रिंक करनी पड़ेगी। समय ब्लैक शर्ट जींस में रोब से चल के सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। समय का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। उसकी ब्राउन आंखें काफी कोल्ड थी। समय के साथ तापसी भी नीचे आ रही थी। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर था। उसने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसका गला बिल्कुल डिप नहीं था ना ही फ्रॉक कहीं से भी रिवीलिंग थी। समय तापसी मैच फॉर इच अधर लग रहे थे। राहुल सिद्धार्थ तापसी को देख अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों तापसी की ओर कदम बढ़ा पाते उसे पहले समय ने पीछे से गन निकाल उनकी ओर पॉइंट कर कहा नो 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 मेरे छोटे भाई गलती से भी एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना और मेरी स्वीटहार्ट के भाई बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी स्वीटहार्ट के करीब नहीं आ सकते इसलिए जो जहां है वहीं रुक जाओ। राहुल सिद्धार्थ तापसी को देख अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों तापसी की ओर कदम बढ़ा पाते उसे पहले समय ने पीछे से गन निकाल उनकी ओर पॉइंट कर कहा नो 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 मेरे छोटे भाई गलती से भी एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना और मेरी स्वीटहार्ट के भाई बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी स्वीटहार्ट के करीब नहीं आ सकते इसलिए जो जहां है वहीं रुक जाओ वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा और जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। उसके बाद गया होगा वो तो मेरी स्वीटहार्ट अच्छे से जानती है क्यों सही कहा ना स्वीटहार्ट। समय की बात सुन तापसी बुरी तरह घबरा गई। उसके पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। समय सीटी बजाते हुए सिद्धार्थ राहुल देख तापसी की कमर पकड़ और खुद से चिपका के कहा डोंट स्केयर स्वीटहार्ट मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दूंगा क्योंकि तुम थोड़ी मेरी परमिशन बिना इनके पास जाओगी इसलिए डोंट स्केयर जान। तापसी की आंखों में राहुल को देखते ही आंसू आ गए। तापसी राहुल को देख उसके गले से लगना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू कभी भी बाहर आने वाले थे। तापसी अपने दादा को 2 साल बाद देख रही थी। राहुल पुलिस में होने के कारण हमेशा घर से महीनों तक दूर रहता था। राहुल अपनी 18 साल की बहन को एक राक्षस के चंगुल में देख गुस्से को कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त वो खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा था। जींस बहन की सेफ्टी के लिए वो पुलिस ऑफिसर बना। आज वही बहन एक राक्षस के पास कैद है। समय तापसी के साथ जाके अपने सोफे पर बैठ गया। तापसी अपना सिर झुका के रो रही थी। समय के साथ वहां मौजूद सबको पता था कि वो रो रही है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। राहुल सिद्धार्थ तापसी को गले से लगाना चाहते थे। वरुण तापसी को इतना डरा हुआ देख खुद भी डरा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि कहीं समय ने उसके साथ कुछ किया ना हो
समय तापसी के सिर पर हाथ फिरा के, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रही हो, मैंने आपको रोने को थोड़ी कहा है, अब चलो चुप हो जाओ। तापसी समय के इतने प्यार से बोलने पर उसके सीने से लग और तेज रोने लगी। राहुल को तापसी को रोता देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपनी बहन को अपने सीने से लगाना चाहता था। समय तापसी की पीठ पर हाथ फेर के, शहर चुप, बिल्कुल चुप, मैंने मना किया ना, अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए वरना। तापसी समय के सीने पे पर गाल रब करते हुए बोली, माँ मुझे दादा से गले मिलने दो, मैंने दादा को 2 साल बाद देखा है, मैंने उनको बहुत मिस किया, तापसी ने सुबकते हुए कहा। आपको पता है घर पे दादा नहीं थे तो माँ बाबा मुझे कभी कुछ नहीं देते थे, कॉलेज की पढ़ाई भी दादा के लिए करवाई, क्योंकि उनके दोस्त कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दादा के बाद आपने मुझे वो प्यार किया जो दादा मुझे हमेशा करते हैं, दादा के अलावा एक आप ही हो जिसने मुझे बच्चों की तरह संभाला, उनकी तरह प्यार किया। हाँ वो बात अलग है कि मुझे कभी कभी आपसे डर लगता है, जब आप गुस्सा करते हो, जब आपकी आंखें रेड हो जाती है तब, लेकिन फिर भी मुझे दादा के बाद आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे सबसे प्रोटेक्ट करोगे। तापसी की बात सुन समय के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो इमोशनलेस चेहरे से तापसी की पिच सहला रहा था। वही वरुण, राहुल, सिद्धार्थ, मयंक को दे से 880 वोल्ट का सोकत ही लग गया हो, सबसे ज्यादा सोकत वरुण था। वरुण समय को बचपन से जानता है, उसे पता है समय कैसा इंसान है, उसका इगो, उसका एटीट्यूड सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब भी बात उसके ईगो पर आती थी वो कोई भी हद पार कर सकता था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता था कि कोई उसकी बात सुनने के बाद भी नहीं मानता था। वरुण को तापसी की बातें सुन बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई लड़की समय के बारे में कुछ अच्छा भी बोलेगी, वो भी समय के साथ 8 दिन रहने के बाद, उसका गुस्सा देखने के बाद, उसके हाथ से मार खाने के बाद। वरुण को पहले लगता था जिस तरह समय का गुस्सा है उसे देख कोई भी लड़की उसे प्यार करना तो दूर, उसके पास तक नहीं आएगी, प्यार करना तो दूर की बात है। समय जैसे हार्टलेस आदमी से प्यार करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी लड़की समय जैसे बिस्ट को कैसे प्यार कर सकती है जो सिर्फ खुद से प्यार करता हो, जिसे हर चीज अपनी मर्जी से चाहिए, जिसे लोगों को अपनी मर्जी से चलाना पसंद हो। लेकिन तापसी की बात से वरुण ने एक चैन की सांस ली, उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून आ गया। उसे हमेशा समय के लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उसे दिल से प्यार करे, उसकी सारी सजाए सहने करने के बाद भी उसे वो प्यार दे जिसे उसका दोस्त थोड़ा बहुत ही सही। लेकिन बदले वरुण को अब तापसी में वो लड़की दिख रही थी जो समय को बदल सके, उसे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही सुधार सके। राहुल अपनी मासूम बहन के मुंह से समय के लिए अच्छी बात सुन उसकी टेंशन कुछ कम हुई। उसे यहाँ आने से पहले लगा था कि समय तापसी को जबरदस्ती उठा के लाया है और उसने उसकी बहन के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे अपने साथ ले जाने के लिए और समय को सजा देने के लिए यहाँ आया था। लेकिन तापसी के मुंह से समय के लिए अच्छी बात सुन उसकी टेंशन कुछ कम हुई। वही सिद्धार्थ को तापसी के मुंह से समय के लिए अच्छी बातें सुन काफी बुरा लगा, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो तापसी को खींच के थप्पड़ लगाता। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगा, उसने मन में कहा, तापसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी और के सीने से लगने की, मेरे सामने मेरे ही भाई को प्यार करने की, ये तुमने सही नहीं किया, जान में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी स्वीटहार्ट, मेरे साथ धोखा करके, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा की नफरत देखोगी। समय तापसी के चेहरे को एक हाथ से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है जाके मिल लो अपने दादा से। समय तापसी के चेहरे को एक हाथ से पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है जाके मिल लो अपने दादा से। तापसी समय की इजाजत मिलते ही वापिस समय के सीने से लग बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप बहुत बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, पक्का प्रोमिस।
समय इमोशनलेस फेस के साथ हो तो मैं वैसे भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। SM को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। अब जाके अपने दादा से मिल लो, वो कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रहे हैं। तापसी समय के अलग होके जाके राहुल के सीने से लग गई। राहुल अपनी छोटी बहन को गले से लगा के इमोशनल हो गया। तापसी भी राहुल के गले से लग फिर से रोने लगी। समय आंखें बंद कर अपना सर सोफे के पीछे टिका दिया। वरुण ने अभी ती समय से कोई बात नहीं की थी। वो खामोशी से समय के चेहरे के एक्सप्रेशन पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को पढ़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। राघव भी तब तक वहां आ गया। उसने सब पर एक नजर डाल समय के पास जाके कान में कुछ कहा। जिसे सुन समय के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। समय आंखें खोल राघव को देख उसे मेरे हेल तक लेके आओ, वो भी बिना उसे पता लगे। राघव हा में सर हिला के ओके SM। वरुण उसके मुंह से हेल सुन अब किसकी मौत आई है। समय अपनी गर्दन के पीछे हाथ फिरा के आजकल लोगों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं जो SM के साथ खेल रहे हैं। उनको कौन समझाए जिसे वो खेल रहे हैं। वो एक चलती फिरती आग है जिसे छूने से पहले लोगों को वो अनिंदी जाती है। अगर आग से खेलोगे तो मर जाओगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। उनको तो आग से खेलना है तो सोचा थोड़ा खेल खेल लूं। आखिर तेरा दोस्त यहाँ के सबसे बड़े कशिनों का बादशाह है, जहाँ के हर खेल मेरे है और उनका किंग भी मैं हूँ। तुझे तो पता है यार, कोई मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश करे और मैं उसे छोड़ दूँ, ऐसा कभी हुआ है? गेम शुरू उन्होंने किया है, इसका एंड में करूँगा, वो भी अपने स्टाइल में। वरुण उसकी बात सुन, तू और तेरी गोल गोल बातें जो मुझे ना पहले समझ आती थी और ना अब समझ आती है। तुझे जो करना है कर, लेकिन संभाल के मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तुझे पता है। अब तुझे एक नहीं दो को दुनिया से छुपा के रखना होगा। समय वरुण की बात के पीछे का मतलब समझ के तापसी की ओर देखा। समय तापसी को देख बिना इमोशन के वरुण से बोला, जानू को यहाँ लेके आओ। वरुण सोकद होके कया, तू पागल हो गया? तू इतनी जल्दी उसे यहाँ नहीं ला सकता, अभी तुझे थोड़ा सबर से काम लेना होगा। अभी तापसी उसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। समय वरुण की बात सुन फिर से आंखें बंद करी। समय थोड़ी देर चुप्पी के बाद, स्वीटहार्ट यहाँ आओ। तापसी जो अभी भी राहुल के सीने से लगी हुई थी, उसके कानों में जैसे ही समय की आवाज गई वो तुरंत राहुल से अलग होके समय के पास आ गई। ये सब तापसी ने इतनी जल्दी किया कि राहुल खुद हैरान था। उसकी छोटी सी बहन जो कभी उसकी बात भी इतनी जल्दी नहीं मानती थी, वो किसी के एक आवाज पर चली गई। समय तापसी का हाथ पकड़ उसे खींच के अपने पास बिठा लिया। तापसी समय के खींचने से सीधा समय के सीने से जा लगी। वैसे तो वो समय के पास बेदी थी, लेकिन उसके हाथ समय के सीने पर चले गए। उसका आधा चेहरा बालों से ढक गया। राहुल समय को अपनी छोटी पर हुक्म चलाते देख गुस्से में हाथ की मुठिया कसली। इस वक्त राहुल के साथ सिद्धार्थ को भी समय पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था वो तापसी को बालों से पकड़ खींच के उसे दो थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो समय की पावर भी जानता था। उसे अच्छे से पता था उसका संकी भाई कितना खतरनाक है। समय ने अपनी एक उंगली से तापसी के बाल को कान के पीछे कर सेडेक्टिव वॉइस में बोला, महबूबा जरा संभाल के इतना करीब यहाँ रहोगी तो तुम्हारे भाई और मेरे भाई की आग और बढ़ जाएगी। वैसे इतने करीब तुम अकेले में आ सकती हो, मुझे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे प्रॉब्लम तो अभी भी नहीं है, तुम मेरी स्वीटहार्ट हो और समय को अपनी स्वीटहार्ट अपने करीब पसंद है, बेहद करीब। समय इतना बोल तापसी के गालों पर किस कर ली। तापसी अपनी तिमतिमाती आंखों से समय की हरकत देख शम से लाल हो गई। उसने समय के सीने से हाथ हटा के उसे थोड़ी दूर होके बैठ गई। समय को तापसी का दूर जाना अच्छा नहीं लगा। वो किसी साइको की तरह अपना एक हाथ गर्दन के पीछे फिरा के बोला, स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम्हारी यही हरकत मुझे गुस्सा दिलाती है। इतना बोल समय ने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच के कोल्ड टोन में, मैंने तुम्हें दूर जाने को नहीं
कहा, स्वीटहार्ट अगली बार ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए वरना जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। समय की बात सुनते ही तापसी डर से बुरी तरह कांपने लगी। उसने कसके समय का कोट हाथों में पकड़ अपना सर समय के सिने में छुपा लिया। इस वक्त उसे समय से सबसे ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके ही करीब गई। समय का गुस्सा उसके सिने से लगने से कुछ हद तक शांत हो गया। उसने तापसी को कमर से पकड़ उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। तापसी समय की गोद में आने के बाद भी वहां से नहीं उठी। ऊपर से वो समय के सिने से पूरी तरह चिपक गई। अपने छोटे हाथ उसकी कमर पर लिपट दिए। राहुल अपनी बहन को ऐसे देख गुस्से में लाल हो गया। उसे जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, समय मल्होत्रा मेरी बहन से दूर हटो, उसे धमकाना बंद करो, वो मासूम है, इस बात का तुम फायदा उठा रहे हो। तेरी जो शत लगी थी वो तेरे भाई से थी, इसमें तूने मेरी बहन को बीच में लाया। मैं यहाँ अपनी बहन को तुझसे ले जाने आया हूँ और मैं लेके ही जाऊंगा। सिद्धार्थ राहुल की बात में सर हिला के, हाँ भाई राहुल भाई सही कह रहे हैं, आपने मुझसे शत लगाई थी तो आप मुझसे कुछ और मांग लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज भाई मुझे मेरी तापसी लोटा दो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। समय तापसी के बालों से खेलते हुए बिना राहुल सिद्धार्थ की ओर देखे कोल्ड वॉइस में, स्वीटहार्ट क्या तुम अपने भाई के साथ जाना चाहती हो? तापसी अपना सर समय के सिने में और छुपा के धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।